हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूं मेरा अगेन एक सेकेंड मैटरनिटी हॉल, जिसमें कुछ मैटरनिटी ड्रेसेस दिखाने वाली हूं, कम्फी ड्रेसेस जो हैं वो दिखाने वाली हूं, जिनको आप घर में आराम से पहन के बच्चे को फीड कराने, क्योंकि समर्स आ रहे हैं। समर्स में कम्फर्टेबल कपड़े जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्फर्टेबल भी हों, ग्रेसफुल भी हों और हमारा जो पर्पज़ है बेबी के साथ वो पूरा हो। ये तीन फैक्टर्स मैंने ध्यान रखे इन कपड़ों को खरीदने में, और उससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अफोर्डेबल भी होने चाहिए। घर में पहनने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 1,500-2,000 के कपड़े खरीद रहे हैं और फिर उसको घर में पहन रहे हैं, तो वैसा भी नहीं है। तो क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट है और प्राइस भी अफोर्डेबल है। ये तीन बेसिक क्वालिटी के साथ में आज का हॉल होने वाला है। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली ड्रेस जो है वो ये कुछ इस तरीके की, आगे पूरा ये गोल नेक है तो आराम से कवर रहेगा और बहुत डीप भी नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की हैं और इस पर जो प्रिंट बना ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस टाइप की जितनी भी ड्रेसेस है उसमें कुछ इसी तरीके का लाइट कलर्स बहुत अच्छे हैं और लाइट प्रिंट हल्का हल्का कुछ कुछ बना हुआ तो वो अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको पूरी जिप मिल जाती है इस तरह से, ये देखिए। तो ये जिप पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक खुलती है और आपको फीड वगैरह कराना हो तो उसके लिए अच्छा है कि पूरी खुलती है। ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी दूर खुलेगी, वैसा नहीं है। पूरा खोल करके आपको मतलब जितना खोलना हो उतना खोल सकते हो और आराम से फीड वगैरह बच्चों को दे सकते हो। देन फिर यहाँ से ये थोड़ा लूज पैटर्न पे ही है, एकदम फिटिंग का नहीं है और एकदम प्योर कॉटन है, जो होजरी वाला रहता है ना वैसा, और बहुत ही सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है, समर्स के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये इस तरीके से है और ये इसकी जो लेंथ है ना वो अच्छी है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लेंथ है। तो ये पूरा फ्लोर लेंथ नहीं है और एकदम शॉर्ट ड्रेस भी नहीं है। एक मैंने मंगाई थी जो मैंने रिटर्न कर दिया, वो एकदम नी लेंथ आ रही थी मुझे, तो मेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिल वो मुझे नी लेंथ या नी से थोड़ी सी नीचे आ रही थी। बट ये जो है ना, ये एंकल अभी मैं यहाँ पर लगा दूँगी ट्राई ऑन पूरा, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं है क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको आराम से बैठना करना, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन ना हो, फ्रीली आप मूव कर सको, उसके हिसाब से ये मुझे बहुत सही लगा। और यहाँ पर आपको एक पॉकेट भी मिल जाती है, तो छोटा मोटा कुछ सामान है जो आपको फ़ोन वगैरह रखना है या फिर बच्चों का कुछ जो निपल वगैरह होते हैं वो सब रखना हो कुछ, तो वो सब रख सकते हो। तो एक पॉकेट भी दे दी है, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है पॉकेट रहने से, तो आराम से आप इसको वेयर कर सकते हो। और ये प्राइस तो इसका ज़्यादा है बट मुझे याद नहीं है, ये वही 600-800 की रेंज में ही है। और इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो आप और डिज़ाइंस भी चेकआउट कर सकते हो। तो एक तो ये ड्रेस हो गई। देन फिर मैंने एक और नाइट सूट मंगाया है, इस तरीके का कुछ है ये, ये देखिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना वो है इसका कलर, कलर और जो इसका कॉम्बिनेशन है ना मरून और ग्रे का, ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक जो हम पहनते थे ना कॉमन, वही सब ब्रांड में वैसे ही प्रिंट आते थे, बट ये मुझे बहुत डिफरेंट प्रिंट्स लगे इसमें और कलर्स भी बहुत अलग अलग से हैं, तो कॉमन से नहीं है, थोड़े अलग से इंग्लिश कलर्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसमें ये है कि आप मतलब पोस्टमार्टम भी पहन सकते हो, उसके बाद भी, जैसे जब बेबी फीड करना है, बेबी 6 मंथ तक करेगा, उसके बाद भी आप इस ड्रेस को कंटिन्यू करोगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा। जैसे ये वाली है इसमें कि आगे जिप वगैरह लगी हुई है तो थोड़ा सा एक टाइम के बाद, तो ये मैं क्या करूँगी स्टार्टिंग में ज़्यादा पहनूंगी। और ये थोड़ा सा हाफ स्लीव्स का ही है बट इसमें क्या है कि इस तरीके का फुल लेंथ जो है वो पजामा वगैरह दिया हुआ है। तो ये है कि मान लीजिए जैसे अकेले घर में है तो ये वाला ठीक है, बट ये वाला कभी कोई आ रहा है कुछ ऐसा है तो आप इस तरीके की ड्रेसेस पहन सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। नीचे वीचे जाना हो तो आराम से इस तरीके का पहन लो, और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं ही जो फीडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, कि आप आगे से बटन ओपन कर सकते हो, नीचे से उठा भी सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से फीड भी करा सकते हो, और कोई भी पहन सकता है, कभी भी पहन सकता है। तो ये मुझे बेसिकली ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड पसंद है। बट इसमें क्या है कि पूरा फुल लेंथ का इसका जो पजामा है ना समर्स में, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मुझे शॉर्ट इसमें एक्चुअली वो भी था, 3/4 भी है, शॉर्ट्स में पैटर्न में भी हैं, तो अगर आपको वो, तो मुझे वो दोनों इतने जमे नहीं, मैंने मंगाए थे बट मैंने फिर उनको रिटर्न कर दिया। तो फुल लेंथ वाला ही मुझे ज़्यादा ग्रेसफुल लगा कि हाँ मतलब ठीक है, अगर जब पहन ही रहे हैं तो फुल लेंथ वाला, बाकी वो वाला आप शॉर्ट्स या फिर जो 3/4 है वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये है, सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, कपड़ा क्वालिटी फील परफेक्ट। तो और अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत सारे साइजेस में आता है,
एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल भी है शायद, तो आप अपने लिए भी ले सकते हो। अगर आपको अपने घर में किसी मम्मी मम्मी को भी देना है, किसी नहीं मतलब, अगर आप अपने घर में मम्मी को या फिर बड़े लोगों को भी देना चाहते हो ना समर्स के हिसाब से, तो आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ओके, सो नेक्स्ट जो मेरी ड्रेस है वो अगेन नाइट सूट ही है, इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके से है। ये बहुत ब्राइट सा दिख रहा है, रेड कलर का है, प्रॉपर रेड कलर का है, ये देखिए। ओके, सो ये रेड कलर का है, इसमें थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो पिंक सा दिख रहा है, बट प्रॉपर रेड कलर में है ये। और इसका जो कपड़ा है ना, ये कौन सा कपड़ा है आई डोंट नो, कॉटन तो मुझे नहीं लगता है ये, ये कौन सा कपड़ा है, इसमें मटेरियल तो नहीं लिखा है, बट ये कॉटन नहीं है, आई थिंक विस्कोस या इस टाइप का जो मटेरियल होता है ना वो है, बट मुझे ठीक लगा समर्स के हिसाब से ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो एकदम पतला सा इसका कपड़ा, ये जो है ना ये एकदम पतला सा है, बहुत ही देख सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब पतला है, फील जब आप पहनते हो तो एकदम हल्का सा महसूस होता है आपको, बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, तो अच्छा लगा मुझे कुल मिला के ये। बहुत ज़्यादा मैं इससे इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन अब आ गया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा तो लग ही रहा है, रिटर्न कर दो, बट मैं इसे रिकमेंड करूँगी तो नहीं। मुझे इसका प्राइस भी ज़्यादा लगा, जैसे ये वाला जो मैंने लिया है इसका प्राइस इस वाले से कम है, बट इसकी क्वालिटी ऑसम है, इसका ग्रेस, लुक, फील, सब डिज़ाइन सब कुछ बहुत अलग है। ये मेरा सबसे पहला ड्रेस है, मैंने अपने किसी व्लॉग में आपको दिखाया भी था, तो ये कुछ इस तरीके का है, और उसका पैटर्न भी ना बहुत ज़्यादा, जैसे ये सब थोड़े लूज़ और कम्फी है, ये उनसे थोड़ा सा वो है, बट ठीक है मेरे को चल जाएगा, तो ये मैं बाद में पहन लूँगी अगर अभी नहीं भी पहना तो। ये है अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है, बट क्योंकि हमने और अच्छा देख लिया है तो उसके हिसाब से, ये मेरा पहला ड्रेस था, अगर बाद में आया होता ना तो मैं इसे रिटर्न कर देती, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, बट ठीक है ऐसा नहीं है कि रख नहीं सकते, वरना मैं ऐसे शुरू में रिटर्न कर देती। तो ये भी वही शर्ट स्टाइल में है, लूज़ है, यहाँ स्लीव्स वगैरह इसकी, और कॉटन तो नहीं लग रहा है मुझे, बट पहनने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या पहन लिया भारी भारी सा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ भी इस तरीके का फुल लेंथ का लोवर है इस तरह से, तो एक्चुअली ये फुल लेंथ का जब मैंने पहना ना, तो पहनने के बाद मुझे कंफर्टेबल लगा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि फुल लेंथ का है, बट नीचे मुझे कहीं कुछ फील नहीं हो रहा था उस तरह से, तो ये इसलिए मैंने इसको रख लिया कि समर्स में अगर फुल लेंथ का पहनना भी है तो इस टाइप का कुछ मटेरियल रहे तो ये पहना जा सकता है, तो ओवरऑल ठीक है, बट मुझे इसका थोड़ा प्राइस जो है ना वो ज़्यादा लगा, प्राइस कम रहता तो फिर मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, ऐसा कुछ डिज़ाइन में, कपड़े में, इन सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका प्राइस मुझे उससे ज़्यादा पे करने में थोड़ा कष्ट हुआ। तो ये एक है ड्रेस हमारी। देन फिर मेरे पास एक और इस तरीके का गाउन है, मैंने गाउन इस टाइप के लिए हैं जो गाउन कम ड्रेस जैसे हैं, तो ये अगेन जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसी के जैसा है, बट ये अलग कलर और अलग प्रिंट में है, सेम ही है यहाँ पर, इसमें इस तरीके की ये जिप है, पॉकेट है, एक साइड में ही पॉकेट है, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मतलब ब्लू जो है ना वो सभी के ऊपर अच्छा लगता है, नेवी ब्लू बेसिकली, तो ये वही है, फुल लेंथ एंकल लेंथ में है ये, और अच्छा है, अच्छा गाउन है, इसका कलर भी अच्छा है, और मैंने सब अलग अलग टाइम पे मंगाए, एक साथ नहीं मंगाए, तो अच्छा है ये। एंड देन फिर मेरे पास एक ये वाला गाउन है, कहाँ से, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है, इसमें आगे यहाँ पर फ्लेयर्स लगी हुई हैं, और स्लीवलेस भी है, और बिना मतलब स्लीव्स के साथ भी है, ऐसा है, मल्टीपर्पज़ है, तो समर्स के हिसाब से अच्छा रहेगा, आपको स्लीवलेस यहाँ पर पहना भी है और ऊपर से फ्रिल लगी हुई है तो आराम से कवर भी है, तो इसमें यहाँ पर पीछे एक बेल्ट दी है जिसको आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ आपको मन करे आप वहाँ लगा सकते हो, आगे से कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, ऐसे यहाँ पर ये बेल्ट लगी हुई है, और इस तरीके से नीचे पूरा इसके अंदर फ्लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी,
अच्छा इसके अंदर घेर जैसा है और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आराम से इसे कंफर्टेबल वे में आप इसे बाहर भी पहन के जा सकते हो, और अगर घर में पहनना चाहते हो तो घर में। तो मैंने इसे घर में पहनने के लिए तो शायद नहीं लिया अभी, मतलब मेरा प्लान यही है कि कहीं जाना आना होगा उस टाइम पे ना, तो मैं ये पहन करके जाऊँगी, क्योंकि अच्छा है, दिखने में सोबर है, कम्फर्टेबल है, और बाहर जाने के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे ये वाले हैं तो मैं इनको पहन के बाहर नहीं जाने वाली हूँ, बट ये वाला जो है कहीं जाना है ऐसे कैजुअल आउटिंग के लिए, तो मैं ये वाला पहनूंगी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको लिया है। एंड अगेन इसकी भी प्राइस बहुत सही है, और इसमें फीडिंग का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये एक्चुअली फ्रिल इसीलिए लगाई है, यहाँ पर ये फीडिंग के लिए है, ये स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स हैं, और यहाँ पर ये जिप दी हुई है, यहाँ से खोल करके आप फीड करा सकते हो अगर बाहर वगैरह हो, और इस तरीके से ये फ्रिल जो है यहाँ से हटाओ, ये चेन खोलो, यहाँ पे फीड कराओ एंड देन पे इसे कवर कर दो, तो ये इस तरीके से। तो ये अगेन उसी तरीके की ड्रेस है कि मैं इसे बाद में भी पहन सकती हूँ, आफ्टर जब फीडिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब भी मैं इसे पहन सकती हूँ, तो ये ख़राब नहीं लगेगा, और कपड़ा क्वालिटी फील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मस्ट ट्राई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा आया फेवरेट कलर पिंक। तो ये अगेन एक गाउन ही है, तो मैंने बहुत सारे इस तरीके के गाउन ले रखे हैं, बिकॉज़ गर्मी अभी से इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगा कि ये घर में पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, कि क्योंकि उस टाइम पे इतनी गर्मी होती है, तो बार बार अगर आपको चेंज भी करना है तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, और फिर बाद में मंगाने का झंझट नहीं रहे कि उस टाइम पे फिर हम मंगा रहे हैं, फिर उस टाइम पे क्या है कि चेंज वेंज करके नापना और चेक करना ये सब तो होगा नहीं, तो अभी से सारी व्यवस्था मैंने कर ली है अपनी। तो ये एक पिंक कलर का अगेन एक गाउन ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वैसे ही, इसका प्रिंट और इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, तो ये कुछ इस तरीके का है कलर इसका, पास देखो थोड़ा सा लाइट सनलाइट आ रही है ना, तो थोड़ा सा अलग है, इतना ब्राइट नहीं है ये, डल सा ही, डल नहीं बोलूँगी, मतलब सोबर सा पिंक का है ये, तो ये है। तो यस, इसका भी जिप वगैरह सब दी हुई है, सेम ही है, बस इसका कलर और डिज़ाइन मैंने बताया ना, इस वाले पैटर्न में कलर और डिज़ाइन, जैसे इसका प्रिंट अलग है एकदम लाइट सा और अच्छा सा, उसका अलग प्रिंट है, उसका अलग प्रिंट है, सबके प्रिंट्स जो है ना वो एकदम अलग अलग हैं, कलर्स अलग अलग हैं, डिज़ाइंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें शॉर्ट लेंथ भी है, और ये मैंने लॉन्ग लेंथ में मंगाया, तो ये एकदम फ्लोर नहीं है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट लेंथ भी आता है जो आपको नी के नीचे थोड़ा बहुत वहाँ तक जाएगा। तो ये है मतलब सारे ऑप्शंस, और सारे ही कंफर्टेबल कपड़े हैं, इस ये भी कंफर्टेबल है, बस इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, बस यही है, बाकी सारे जितने भी कपड़े हैं मैं इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और मैं सबको ही बोलूँगी कि सब लोग जो भी प्रेग्नेंट हैं वो तो ख़रीदें, और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं वो इस तरीके की ड्रेसेस ज़रूर खरीद सकते हैं, बहुत ग्रेसफुल और बहुत अफोर्डेबल भी हैं, और बहुत अच्छे भी हैं, कंफर्टेबल है, तो आप खुद भी ख़रीद सकते हो ये वाले नाइट सूट, और अपने घर में लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा। जैसे मम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई सी चीज़ें नहीं पहन पाती, तो ये वाली चीज़ें जो है ना उनको कम्फर्टेबल भी रहेंगी इनको कैरी करना, और दिखने में भी अच्छे हैं, और गर्मियों के हिसाब से बड़े अच्छे हैं, काम वाम करना है किचन में और ऐसे, तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए इनमें से जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं लिंक दे दूंगी अपने, ये अमेज़ॉन से ही सारी चीज़ें मैंने ली हैं, क्यों ली है मैंने अमेज़ॉन से, मिंत्रा से क्यों नहीं ली है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, फिलहाल मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा पिछला हॉल आप देखो कि उसमें मैंने बताया है कि मिंत्रा से चीज़ें मैंने क्यों नहीं ली हैं, और अमेज़ॉन से मैं हमेशा शॉपिंग क्यों करती हूँ। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरा स्टोर फ्रंट है, एक लिंक क्लिक करोगे उसमें बहुत सारे, सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं और भी जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो सब कुछ भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर जाकर गाइड कर दूँगी। तो आई होप आपको ड्रेसेस पसंद आई होंगी, जो भी आपकी फेवरेट ड्रेस थी आज के हॉल में कमेंट करके मुझे बताना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए bye-bye and take care.